विंध्य की राजधानी कहा जाने वाला रीवा शहर, जहां दूर दराज के इलाकों से छात्र अपने भविष्य के सुंदर सपने लेकर के आते हैं, लेकिन कई बार डिप्रेशन का शिकार होकर के ये छात्र अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। तो इसकी क्या वजह है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इसको लेकर के हमने शहर के कई कोचिंग संचालकों शिक्षकों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का प्रेशर जो होगा ना, वो लेवल वाइज रहेगा। मतलब कि सीनियर विंग के बच्चे हैं तो उनका अलग डिप्रेशन का रहेगा, और ये डिप्रेशन करने का मतलब ये सेंस नहीं हुआ कि मतलब डिप्रेस हो गए, इसका मतलब वो एम अपना भूल गए। कारण होता है डिप्रेशन का, यहाँ पे सब तरह का डिप्रेशन हो सकता है। वो बाहर क्या कर रहे हैं, कोचिंग में क्या कर रहे हैं, गार्जियन का प्रेशर कुछ और है, सब कुछ का। जरूरी नहीं कि बस पढ़ाई के लिए डिप्रेशन होता है। तो हम लोग तो अपने तरफ से टोटल कोशिश करते हैं कि नहीं, वो लोग का डिप्रेशन कम हो। बुक से दूर ले जाते हैं हम लोग, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन है, होल्ड लगा हुआ मार्केट में। हमेशा लगता है कि मतलब ये बुक का बना ले, वो बुक का बना ले, बच्चे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उस सब के लिए हम लोग क्या किए हुए ना, साइड से खुद अपना पैकेज बनाए हुए हैं कि चलो चलो एक सब्जेक्ट में कम से कम 20 बुक ना पढ़े। तो एक तो हम लोग कोटाला ब्रांच है, जो मोशन शूट किए हुए खुद अपने से किए हुए, जिससे एक तो कम से कम डिप्रेशन लूज हुआ ना वो लोग का, कम से कम कि वो लोग अपना 100, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में 15 बुक की पब्लिकेशन आ रही है, तो 15 का 15 वो लोग ना पढ़े, कोई एक बुक पे फोकस करें, जैसे हम लोग का अपना पैकेज रहे। उससे एक हम लोग डिप्रेशन वो लोग लूज करवाते हैं कि चलो अब इससे कम हो गया, कि तुमको बुक्स वगैरह का वैरायटी जो मार्केट्स में दिखता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, फिर MTG पब्लिकेशन का, ये सबसे थोड़ा सा बचे। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक बच्चों को ना मतलब कि पर डे जैसे क्लास तो होता ही है, क्लास के बाद हम लोग ना एक मतलब हर बार हम लोग पर वीक में एक हम लोग बुलाते हैं सर को, मतलब थोड़ा सा जो मोटिवेट करे बच्चों को, जो सीनियर है पढ़ा। जरूरी नहीं कि हर टीचर ही केवल मोटिवेट कर सकते हैं, जो मतलब कि स्पेशल मोटिवेशन क्लास के लिए फेमस है, वो हर जगह ब्रांच बाई ब्रांच विजिट करते हैं, विजिट कर करके वो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। मोटिवेट करने का सेंस है कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बस पढ़ाई पे ही फोकस करो, पढ़ाई पे ही फोकस करो, पढ़ाई जरूरी है कि बस पढ़ाई पे ही फोकस करो, पढ़ाई तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है ही, पार्ट एंड पार्सल भी है, मगर उसके साथ उसको क्या मन है वो चीज़ हम लोग पूछते हैं, वो पूछते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए उसको बस उसको फ्यूचर में करना है कि नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उसको हम लोग बस बोलते हैं ठीक है बाबू तुम बोर्ड पहले कब से पास करो। सर आज की डेट में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है अवेलेबल, तो उनसे स्टूडेंट्स को कैसे बचना चाहिए और कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए? तो डिस्ट्रैक्शन भी सर देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो वो उसको खुद से सेल्फ बिल्डअप करना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन से वो कैसे अपने आप को मतलब कि समझे कि एंटीबायोटिक तैयार करेगा वो डिस्ट्रैक्शन से। मगर बात ये है कि डिस्ट्रैक्शन भी वो अपना निकाल सकता है, वो भी सही है, मगर उसके लिए हम लोग को ना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको लग रहा है कि ना कि हम ये डिस्ट्रैक्शन करके वो काम करके वो सेटिस्फैक्शन उसको मिल जाए, तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 1 वीक चलो वो कर ले, करके शांत हो जाए, उसके बाद अब कम से कम फोकस करे पढ़ाई पे करे। अगर तुमको हम लोग बोले ना हम लोग कि अगर मान लो उसको फोकस करने के लिए अब हमको पढ़ना ही नहीं है, बस हमको करना है, हमको क्रिकेट खेलना है, हमको एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, हम बोलते हैं कम से कम बोर्ड तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला स्टेज है प्राइमरी लेवल है पढ़ाई का, वो तो कम से कम पास कर जाए, उसके बाद फिर तुम अपना लेवल उसको ऐसा नहीं बाबू तुमको इजी बढ़ना है बनना। गार्जियन भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलने लगेंगे, तो फिर बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा। तो यही काम हम लोग नहीं करते मोटिवेशन में, मोटिवेशन में चारों तरफ से हम लोग उसको मोटिवेट। हाँ देख रहे हैं कि पेपर वगैरह में इस तरह की न्यूज़ें आ रही हैं कि बच्चे 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, उसमें असल में होता क्या है कि बच्चे साल भर तैयारी नहीं करते, सही ढंग से जो है क्लासें नहीं लगती हैं, और वो साल भर का काम जो है 1-2 महीने में करना चाहते हैं। नहीं सर, कई बार ऐसा भी होता ना कि अच्छे बच्चे भी होते हैं, मतलब पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, वो भी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उनके लिए उनपे बहुत सारे दबाव होते हैं, घर वाले दबाव होते हैं। अगर वो 80% लाते हैं तो कहते हैं 85% होना चाहिए, 85 लाते हैं तो 90 होना चाहिए, तो इस तरह से घर वालों का भी प्रेशर होता है उसके ऊपर, वो भी काफ़ी काउंट करता है। फिर मित्र आ रहे हैं उनके, उनका काउंट करता है, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं वो। और पेरेंट्स को भी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, कुछ तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चा कुछ और करना चाहता है, किसी दूसरी लाइन में जाना चाहता है, और पेरेंट्स किसी दूसरी लाइन में भेजते हैं, जैसे डॉक्टर, अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं वो इंजीनियर बनेगा। सबसे पहली चीज़ें तो ये होती है कि बच्चे की चॉइस देखनी चाहिए कि बच्चा करना क्या चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, फिर पेरेंट्स को डिसीज़न लेना चाहिए। बच्चा लास्ट टाइम पे ऐसा डिसीज़न इसलिए उठाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। अगर पेरेंट्स साथ में खड़े रहें और टीचर्स रहें, बच्चे पहली चीज़ तो ये, आजकल के बच्चे क्लास बंक करते हैं, क्लास नहीं लेते,
कभी टीचर्स में कमी निकालते हैं कि टीचर अच्छा नहीं है हमारा, टीचर की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, टीचर अच्छे समझा नहीं पा रहा है। स्टूडेंट्स अपनी गलतियां नहीं निकालते, खुद पे ब्लेम नहीं करते, टीचर्स पे ब्लेम करते हैं कि टीचर्स हमारा गलत है। ये नहीं सोच लेते हैं कि हम शायद टाइम पे पढ़ते नहीं, हमें कब क्लास लेनी चाहिए, क्या टाइम देना चाहिए अपने पढ़ाई पे, बट लास्ट टाइम पे वो ऐसे शायद डिसीजन ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। देखिए अभी ट्वेल्थ के एग्ज़ाम चालू हैं, कुछ पेपर बचे हुए हैं ट्वेल्थ के। जैसे ही ट्वेल्थ की एग्ज़ाम ख़त्म होगी तो बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आएगी कि हमें आप आगे करना क्या है, है ना। तो सबसे पहला बेहतर होगा कि हम अपने फ्यूचर के लिए कोई एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जो है हम कोई गवर्नमेंट कॉलेज लें। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो इतनी सरल नहीं रहती है, क्योंकि देश भर में लगभग 13 से 14 लाख बच्चे जो है इसकी एग्ज़ाम देते हैं और लगभग सीटों की संख्या कितनी होती है, 10 से 15 हज़ार। तो सभी बच्चों के जो है सपने एक साल में पूरा होना ज़रूरी नहीं है। अब जैसे किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और वो एक साल में अपना सपने को पूरा नहीं कर पाया तो होता क्या है कि मम्मी पापा के भी दिमाग में डिप्रेशन आता है, और ख़ास करके इसके हमारी जो एक सोसाइटी है, सोसाइटी हमें उस चीज़ को लेकर क्या करना चालू कर देती है, पंच कसना चालू कर देती है। हमारे पेरेंट्स भी उसी चीज़ का साथ देते हैं, ये गलत बात है। हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को क्या करें, मोटिवेट करें, उनका साथ दें, उनको भरोसा दिलाएं कि दुनिया उनका साथ दे ना दे, हम आपके साथ हैं। इस बेसिस पर हम उनको और आगे बढ़ाएं, अगले साल फिर से उनको तैयार करें और मोटिवेट करें कि वो आगे फिर से तैयारी करें और अपने जो है मुकाम को पाएं और वापस से एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या करें, सफलता अच्छे अंकों के साथ हासिल करें। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हो रहा है, इसके बाद बच्चों के मन में एक ख्याल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे साइंस डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट है वो IIT और नीट के बारे में सोचता है, जिन्होंने बायो डिपार्टमेंट का है वो नीट के बारे में सोचता है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है। तो इससे बेटर यह है कि हम कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज चूज करने से पहले हमारा फोकस एक अच्छी कॉलेज की ओर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंचेंगे तो वहां से हमारा तब तक हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो इसलिए यदि मैथ डिपार्टमेंट का बच्चा है तो उसे IIT और नीट के बारे में, IIT और NIT के बारे में सोचना चाहिए, और जो बायो का स्टूडेंट है उसे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ से उनका फ्यूचर सिक्योर है। और इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके पेरेंट्स का सपोर्ट। हर बच्चा टैलेंटेड होता है, हर बच्चे में कोई ना कोई एक खास बात होती है, माँ बाप को उसका भरपूर साथ देना चाहिए, और सोसाइटी की बातों से दूर हटके, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चों को डालने का रीज़न सोसाइटी होती है, क्योंकि बच्चे को अपने पेरेंट्स ज़्यादा दूसरों की फिक्र होती है कि दूसरे क्या कहेंगे यदि उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे अच्छा है कि पेरेंट्स यदि उसके साथ रहेंगे तो उसको एक इसका बहुत मेंटली सपोर्ट मिलता है, और बच्चे अपने एम में अपने अकॉर्डिंग अपनी, अब हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, कोई बच्चा किसी चीज़ को एक ईयर में गेन कर लेता है, कोई बच्चा उसी चीज़ को 2 साल या 3 साल में गेन करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो 2 साल में गेन कर रहा है वो कमज़ोर बच्चा था। हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, इसलिए पेरेंट्स को सोसाइटी को इग्नोर करते हुए अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करना चाहिए, और स्पेशली मेंटली सपोर्ट देना चाहिए, ताकि बच्चे जो एक आफ्टर रिजल्ट जो कदम उठाते हैं सुसाइड वगैरह का वो ना उठा पाएँ, उन्हें ऐसा लगे कि यार कुछ कोई बात नहीं, अभी आगे हमारे पास चांस है, हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हम फिर से प्रिपरेशन करेंगे और फिर से एक नई लड़ने के लिए इस मैदान में उतरेंगे और अपने एम को प्राप्त कर लेंगे।